यूरोप की हालत टाइट है। रूस यूक्रेन युद्ध ने सबसे ज्यादा किसी की कमर तोड़ी तो वे यूरोप की। रूस पर खुद के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का बोझ अब खुद यूरोप उठा रहा है, और अब अगर और ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्द यूरोप इस बोझ को छोड़ देगा। लिहाजा यूरोप ने बड़ा फैसला किया है, एक ऐसा फैसला जिसका असर रूस के साथ साथ भारत और चीन पर भी पड़ेगा। खबर है कि यूरोपीय संघ रूस से व्यापारिक संबंध रखने वाली भारतीय और चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने यानी बैन की तैयारी में है। यूरोप पर प्रतिबंध का बोझ इस कदर बढ़ रहा है कि अब वो इसका उपाय कर पाने में असमर्थ साबित हो रहा है। लिहाजा अब वो ऐसे फैसले ले रहा है जिससे रूस को नुकसान हो। रूस यूक्रेन युद्ध के समय पूरी दुनिया रूस के खिलाफ हो गई थी, और तब केवल रूस के साथ उसके पुराने और सच्चे दोस्त पूरी तैयारी और लगन के साथ उसके साथ खड़े रहे। उसके सच्चे दोस्त ढाल बनकर रूस के साथ खड़े थे। इसमें भारत और चीन सबसे आगे थे। पश्चिम के प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और सबसे बड़ा खेल कर डाला। भारत ने रूस से जरूरत से ज्यादा तेल खरीदा और रूस का फायदा कराया। इसका असर यूरोप पर भी पड़ा, क्योंकि यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी भारत के जरिए रूसी तेल खरीदना जारी रखा। लिहाजा इसका भारत पर कोई खास असर नहीं पड़ा, और अब यूरोपीय संघ रूस से व्यापारिक संबंध रखने वाली भारतीय और चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। अब अगर यूरोपीय संघ के सदस्य देश इस योजना को मंजूरी देते हैं तो ये पहली बार होगा कि चीन और भारत में व्यवसाय यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों से प्रभावित होंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की ओर से देखे गए दस्तावेजों में भारत और हांगकांग की एक एक और चीन की 3 कंपनियों समेत 21 नई संस्थाओं का जिक्र है जो प्रतिबंधों के दायरे में आएंगी। अगर इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा तो यूरोपीय कंपनियां प्रतिबंधित कंपनियों के साथ व्यापार नहीं करेंगी। बड़ी बात यह है कि जिन कंपनियों पर बैन लगा है उसमें ड्रोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों वाली कंपनियों को भी बैन के दायरे में लाया गया है। ये कंपनियां रूस को कलपुर्जे निर्यात करती हैं। हालांकि अभी ये केवल प्रस्ताव है। माना जा रहा है कि 24 फरवरी को यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के 2 साल पूरे होने से पहले ही प्रतिबंधों को मंजूरी दी जाएगी। बड़ी बात ये कि प्रतिबंध के दायरे में नए देशों की कंपनियों को भी शामिल किया गया है। इनमें श्रीलंका, तुर्की, थाईलैंड, सर्बिया और कजाकिस्तान भी शामिल है। कुल मिलाकर यूरोपीय संघ ने अपने बोझ को कम करने के लिए रूस के सहयोगियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी ये सिर्फ प्रस्ताव है। देखना तो ये होगा कि यूरोपीय संघ में शामिल देश क्या इसका समर्थन करेंगे या नहीं, क्योंकि यूरोप में ज्यादातर वो देश हैं जिनके साथ भारत के संबंध बहुत गहरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।